फ्रेंड्स, देखिए मेरी माताजी आज जा रही हैं घर और इनको हो रहा है लेट, परेशान है, बालकोनी में खड़ा है कि कब आएंगे कब आएंगे। मम्मी है ना, बस छूट जाएगा तो क्या दिक्कत है, कल चले जाना स्कूल है। तो क्या हो गया मम्मी, लेट हो गया आने में? देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक दूसरे का व्लॉग बना रहे हैं। फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो सब लोग को, फ्लाइंग किस बोलो, हाय फ्रेंड्स बोलो, वेलकम टू माय ब्लॉग बोलो बेटा, बोलो। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। हम लोग आ गए रोड के पास फ्रेंड्स, देख सकते हैं युवराज जी के गाड़ी का वेट कर रहे हैं, अभी तक युवराज जी आए नहीं हैं। देखिए हम लोग के रोशनी का छा हो जा रहा मम्मी मुंह पे। मेरे ब्लॉग में कुछ बोलो युवान, क्यों तुम परेशान करके नानी से खरीदवाए हो? क्योंकि क्यों हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते रहते हो बेटा? क्योंकि मेरा नानी है। हाँ। नानी है तो इतना सारा पैसा, अभी भी नानी इसकी पैसा दे के जा रही है गुल्लक में, लेकिन फिर भी इसको। युवराज जी बोले थे कि 8:05 में पहुंचा देंगे और 8:04 हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए हम लोग बस स्टैंड घुस रहे हैं। हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए फ्रेंड्स और मम्मी उतर चुकी हैं गाड़ी। देखिए फ्रेंड्स यार, युवराज जी बोले थे कि 8:05 में पहुंचा देंगे और 8:04 हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए हम लोग बस स्टैंड घुस रहे हैं। हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए फ्रेंड्स और मम्मी उतर चुकी हैं गाड़ी। देखिए फ्रेंड्स यार, देख सकते हैं फ्रेंड्स मम्मी को बस में बिठा करके अब हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे। मम्मी बस में बैठ चुकी हैं और ये जो बस देख रहे हैं ये बस हम ही लोग का है, श्री राधे मेरे दादाजी का नाम है। इसी बस से पटना से मधेपुरा चलती है ये बस, इसी बस से मम्मी गई है और युवराज जी आ गए और इनको बहुत कस के भूख लगा हुआ था, तो वहीं पे एक मरवाड़ी ढाबा है मिला इनको बासा, वहाँ गए तो ये बोले बहुत अच्छा खाना खिलाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग चले गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इनको बहुत तेज़ भूख लगा हुआ था, घर जाने का इनको पेशेंस नहीं रहा और जाम भी बहुत लगा हुआ था। तो हम लोग यहाँ आए चेक करने के, कुछ अच्छा खाना वाना देगा तो, लेकिन खाना जब आया तो खाना आया तो देखने में तो ठीक ही लग रहा था फ्रेंड्स। उसके बाद खाना परोसा, परोसने के बाद जब खाना खाए फ्रेंड्स, खा तो लिए, नो डाउट, झूठ क्यों बोले फ्रेंड्स, खाना खाए खा तो लिए ही, लेकिन खाना इतना गंदा था, मतलब क्या कहा जा सकता है, एक्सपेक्टेशन ऊपर था, खाना एकदम नीचे। सब कुछ में वो करेला का ही भुजिया अच्छा लगा फ्रेंड्स। आप सोच सकते हैं कि करेला लोग बैठ के क्यों खाएगा रेस्टोरेंट में, घर में क्यों नहीं खाएगा, जबकि घर में हम फ्रेंड्स बहुत अच्छा खाना बनाए हुए थे और वहाँ सारा खाना मेरा बर्बाद हो जाता। खाना खिलाता है भले ही 150 में खिलाता है, लेकिन निहायत ही घटिया खाना खिलाता है। खा के आए तब से लग रहा है कि एकदम तबीयत खराब, उल्टी हो जाएगा, इसलिए हम कभी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप लोग मरवाड़ी वासा जाइए और कभी वहाँ का खाना खाइए, बिल्कुल भी मत खाइएगा। पैसा ज़्यादा लगता है तो नो डाउट खाना भी अच्छा देता है। यहाँ 150 में खिलाया, 150 में एक ही सब्जी दाल खिला देता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा होता। और क्या बोलते, गुरुद्वारा में इससे अच्छा लंगर खिलाता भाई, हम तो यही समझेंगे। बहुत मम्मी आप ये सब क्यों खाए आप मेरे परिवार के? तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोग मत जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, इस लाइक सब्सक्राइब करना पूरा दबा देना, लाइक सब्सक्राइब कर, ठीक है ना? गुड नाइट फ्रेंड्स, बोलो गुड नाइट, बाय बाय।